जोहार महामहिम। बिरसा मुंडा की धरती पर आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आशीष लता आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस है और इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है, ऐसे में आज हम उनके जन्म स्थल उलिहातु जा रहे हैं और हम अभी रास्ते में ही हैं। यहाँ पहली बार देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही है और आपको ये भी बता दें कि यह पहला ऐसा मौका होगा जब देश का कोई भी राष्ट्रपति यहाँ पहुँच रहा हो। अभी हम उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ एक हेलीपैड बन रहा है और एक आगे बन रहा है। यहीं द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ आएंगी और यहीं से उनका काफिला पहले तो भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए जाएगा। तो यहाँ पर तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही है। राष्ट्रपति के आगमन पर यहाँ पे बहुत सारे चाक चौबंद है, यहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी देखी जा रही है। तो सीधे चलिए बात करते हैं अब यहाँ के जो क्या क्या तैयारियाँ हो गई हैं, क्या क्या तैयारियाँ अभी होनी बाकी है, तो आइए सीधे चलिए हम बात करते हैं। सर, क्या क्या तैयारी हो गई है? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए हैं हमारे प्रखंड में। सबसे पहले यहाँ दो हमारा हेलीपैड बन रहा है ना, दो हेलीपैड ए साइड बन रहा है और एक हेलीपैड ए साइड बन रहा है। तो जिसमें जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, साथ साथ हमारे जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदया का आगमन होना है, तो सभी के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएँ की जा रही है। गवर्नर साहब भी आएंगे, माननीय मंत्री लोग भी आएंगे, तो इसके लिए यहाँ काफ़ी जो है जोरों शोरों पर देख रहे हैं कि लेबर रोल लगे हुए हैं। आज ट्रायल भी होना है, एक हेलीकॉप्टर का ट्रायल होना है कि कैसे जो है हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड करेगा, सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएँ रहेगी। इसके साथ ही जो है हमारे पायलट लोग आ रहे हैं, उनके साथ विधि व्यवस्था से संबंधित एक मीटिंग भी रखी गई है कि ताकि जो है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। हमारी तैयारी काफ़ी जोरों शोर पर चल रही है। और सर, यहाँ पे उनका काफिला द्रौपदी मुर्मू जी हो गए, फिर हेमंत सोरेन जी हो गए, सब यहाँ पे अन्य मंत्रीगण आएंगे, तो यहाँ से वो फिर कैसे जाएंगे, बाय रोड जाएंगे वो? हाँ, यहाँ से बाय रोड सीधे बिरसा ओड़ा जाएंगे, वहाँ जो है माल्यार्पण पूजा अर्चना होगी, उसके बाद जो है बिरसा कॉम्प्लेक्स में जाकर माल्यार्पण किया जाएगा और पुनः जो है यहाँ के बाद कार्यक्रम खूंटी में होगा। और सर, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह, मतलब टाइट सिक्योरिटी पुलिस किस तरीके से यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि और उनका स्वागत किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि पहला बार ऐसा मौका हो रहा है कि झारखंड का स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जी की जयंती है और राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो क्या कुछ अलग से व्यवस्था की जा रही है? कोई विशेष अलग व्यवस्था नहीं की गई है, और जितने जो हमारे जनजातीय परम्परा के तहत उनका स्वागत किया जाना है, और साथ ही जो है इसकी जो सुरक्षा की जहाँ तक बात है, इसके लिए हमारे एसपी सर और पूरे जो है राज्य से डीजीपी सर जो है इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, है ना। काफ़ी जो है चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। कितना गौरव लग रहा है सर कि बिरसा मुंडा जी की जयंती है और इतनी सारी तैयारियां चल रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? मतलब कितना उल्लास फील हो रहा है कि हम ये सब हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इसके भागी बन रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? हम लोग के लिए गर्व की बात है और ख़ास करके हमारे अड़की प्रखंड के लिए काफ़ी गर्व का विषय है कि हमारे यहाँ भारत के राष्ट्रपति आ रही हैं और वो भी पहली बार आ रही हैं, तो काफ़ी सब क्षेत्रों में जो है खुशी का माहौल है। लोग देखेंगे समझेंगे कि हमारे राष्ट्रपति महोदया यहाँ आ रही हैं, लोगों में काफ़ी हर्षोल्लास देखी जा रही है। प्रभात खबर .com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।